पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले लिबरल और मीडिया गिरोह का एक वर्ग असदुद्दीन ओवैसी को लेकर घंघोर आशीर्वादी कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को आधार बनाकर इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि AIMIM का प्रदर्शन कैसा हो सकता है। इस तरह के तमाम कयासों के बीच बंगाल में ओवैसी की पार्टी AIMIM को बड़ा झटका लगा है। AIMIM नेता अनवर पाशा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने AIMIM के राजनीतिक एजेंडे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अनवर पाशा ने कहा कि AIMIM ने बिहार विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा लेकर भाजपा को जिताने में मदद की है। ये बेहद खतरनाक है और पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में बिहार मॉडल लागू किया गया जाता है तो सिर्फ खून खराबा होगा। पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी सिर्फ 30% है। ऐसे में AIMIM जैसी सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना बेहद जरूरी है। अनवर पाशा का कहना था कि इन सांप्रदायिक ताकतों को पश्चिम बंगाल में दाखिल होने से रोकना बेहद जरूरी है। सालों से अलग अलग समुदाय के लोग सद्भावना के साथ रह रहे हैं, लेकिन अब उन्हें बांटने और उनके बीच घृणा पैदा करने का प्रयास हो रहा है। इसके बाद पूर्व AIMIM नेता ने ममता बनर्जी की शान में ही कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। पाशा ने कहा कि ममता बनर्जी एक लौती मुख्यमंत्री थी जिन्होंने CA और NRC के विरोध में आवाज बुलंद की। लोग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद पर तुष्टिकरण राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच ये है कि अगर वो इमामों को आर्थिक सहयोगी करती हैं तो पुरजियों को भी सहायता मिलेगी। वह अपना सिर ढककर अमीन कहती हैं तो पूजा करने के लिए मंदिर भी जाती हैं। इतना सेक्युलर नेता अपने जीवन में नहीं देखा होगा। पाशा ने कहा कि मेरे पश्चिम बंगाल के मुस्लिमों से अनुरोध है कि वो भगवा को प्रदेश में दूर रखने के लिए ममता बनर्जी की मदद करें। इसके बाद ओवैसी के विरुद्ध खरी खरी बोलते हुए अनवर पाशा ने कहा कि मेरे उनके लिए एक पैगाम है, चुनाव लड़ने के लिए बंगाल आने की जरूरत नहीं है, बंगाल को आपकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर फिर भी आप आते हैं तो हम डट कर आपस में लड़ेंगे। हम पश्चिम बंगाल में आपको ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करने देंगे और ना ही भाजपा को जिताने में मदद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें हासिल की थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के आगामी चुनाव को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।